हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंट्स, जो क्लास है हमारी, क्योंकि अकाउंट्स जो है रेलेवेंट फॉर प्लस वन कॉमर्स, और जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड कि जर्नल हम किस तरह से बनाते हैं, जिसके अंदर आई विल बी गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से मॉडर्न अप्रोच के अंदर मॉडर्न रूल्स अप्लाई करके किस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, किस तरह से हम उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अगर मेरा ये एफर्ट आपको यूजफुल लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माई ऐप एडिसम ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड हो सकती है। ये जो ऐप है डेट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफ़ी सारे MCQ प्लस वन और प्लस टू के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स फ्री अवेलेबल है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स का मैंने शेयर किया हुआ है। इवन इसके अंदर अकाउंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 1500, जिसके अंदर आपको प्रॉपर नोट्स, MCQs, और जो सेकेंड टर्म के अंदर जो जो इस पैटर्न के अंदर एग्जामिनेशन आएगा उसके भी आपको यहाँ पे नोट्स अवेलेबल होंगे। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मॉडर्न अप्रोच, जैसा कि हमें पता है कि जो अकाउंटिंग है डेट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, कि एक पक्ष जो है डेबिट होता है, दूसरा पक्ष जो है क्रेडिट है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे जो रूल्स है, अगर एसेट है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। इसी तरह लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर दो। ऑनर की इक्विटी भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर दो। उसी तरह एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है या लॉस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर वो कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह अगर रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, अगर रेवेन्यू कम हो रहा है तो उसको हम डेबिट करते हैं। एक बार फिर से हम इन रूल्स को देखते हैं। देखो, अगर एसेट है इसको हमने डेबिट कब करना है, जब इंक्रीज हो रही है, और क्रेडिट कब करना है, जब ये क्रेडिट हो रही है। लाइबिलिटी जो है इसको हमने डेबिट तब करना है जब डिक्रीज हो रही है, और जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। उसी तरह जो कैपिटल है उसको हमने डेबिट तब करना है जब कैपिटल कम होती है, और क्रेडिट तब करना है जब वो इंक्रीज होती है। उसी तरह जो रेवेन्यू है उसको हमने जब डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है, जब बढ़ जाती है तो क्रेडिट करना है। उसी तरह देखो जो एक्सपेंस है, अगर वो इंक्रीज होता है तो उसको हमने डेबिट करना है, और अगर वो डिक्रीज होता है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एसेट को हम तब डेबिट करते हैं जब वो इंक्रीज होता है, क्रेडिट हम करते हैं जब वो डिक्रीज होता है। उसी तरह जो एक्सपेंस है, जब वो इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है, जब वो डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी कैपिटल एंड रेवेन्यू के अंदर क्या है कि हमने डेबिट तब करना है जब लाइबिलिटी कैपिटल या रेवेन्यू कम हो रहा है, और अगर लाइबिलिटी जो है हमारी लाइबिलिटी कैपिटल एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसको हमने क्रेडिट करना है। तो ये रूल्स जो है आपने जो है लगाने हैं जब आपने ट्रांजेक्शन को करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया 20,000। कैश विड्रॉन बाय राम फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 2,000। फिर उसने फर्नीचर जो है बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया 5,000। इनकम टैक्स पेड 2,000। लाइफ इंश्योरेंस पेड 1,000। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जब हमने कैपिटल या ड्रॉइंग है तो उसको कौन सी चीज को, जब कैपिटल आती है बिजनेस के अंदर जो कि कैश के फॉर्म में भी आ सकती है, काइंड के फॉर्म में भी आ सकती है, तो किस तरह से हमने डेबिट और क्रेडिट रूल लगाने हैं। उसी तरह अगर बिजनेसमैन जो है बिजनेस के अंदर से चीजें विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए या कैश विड्रॉ करता है तो उसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो यहाँ पे दो चीजें उभर के सामने आती हैं, एक तो है कैश और कैपिटल, क्योंकि जब राम बिजनेस शुरू करता है कैपिटल उसके अंदर वो 20,000 की लेके आता है, क्योंकि जब वो कैपिटल लेके आता है तो बिजनेस के अंदर कैश भी आता है, और कैश क्या है, एसेट है।
अब देखो जब हम वो बिजनेस के अंदर कैश लेके आया तो एसेट हमारी इंक्रीज हो गई, तो इसलिए हमने कैश को क्या करना है, डेबिट करना है 20,000। और कैपिटल क्या है, हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से कैश को हमने डेबिट करना है, कैपिटल को हमने क्रेडिट करना है। फिर उसके बाद जो दूसरी ट्रांजेक्शन है, कैश विथड्रॉन बाय राम फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ₹2,000। तो यहाँ पे राम जो है एक बिजनेसमैन है, और जो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग एंटिटी है, क्योंकि जो बिजनेस है उसके अंदर सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, जो ऑनर है उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो यहाँ पे राम ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पे दो अकाउंट है, एक ड्रॉइंग है एक कैश है। ड्रॉइंग क्या है, कैपिटल है जो कि डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसकी कैपिटल कम हो रही है, तो उसको हमने जो है डेबिट करना है। उसी तरह कैश विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस के अंदर से कैश कम हो रहा है, कैश क्या है, हमारी एसेट है, तो उसको हमने क्रेडिट करना है। तो इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग को हमने डेबिट करना है, कैश को हमने क्रेडिट करना है। अब हम देखते हैं कि इसको हम जर्नल के अंदर जो है किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। देखो जर्नल के अंदर हमने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होता है, जैसे यहाँ पे डेट है तो यहाँ पे डेट नहीं दी हुई, तो यहाँ पे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो जर्नल के अंदर हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं ये डेट है, ये पर्टिकुलर है जिसके अंदर हम एंट्री डालते हैं। लेजर फोलियो जो है प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कैश अकाउंट है तो इसका लेजर किस पेज पे बना हुआ है, कैपिटल है तो इसका लेजर किस पेज पे बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जो LFL लेजर फोलियो है कि इसका इस पेज के ऊपर इस अकाउंट का लेजर बना हुआ है ये बताता है। तो यहाँ पे अभी इस वक्त इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जब हम प्रैक्टिकली अकाउंट्स करते हैं तो ये LF जो है बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है इसकी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अकाउंट जो है इसका लेजर इस पेज पे बना हुआ है। तो अब हमने कैश जो है एक कैसेट है इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने डेबिट में डाल देना है। कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। साथ में नरेशन जो होती है ट्रांजेक्शन के बारे में समरी वे में बताती है कि बीइंग दी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय दी राम। डेट यहाँ पे हमें दी नहीं हुई तो हमने डेट नहीं डाली, अदरवाइज डेट दी होती तो हम यहाँ पे डेट भी डालते। उसी तरह जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है, राम विड्रू कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो राम ने पैसे विड्रॉ किए अपने पर्सनल खर्चे के लिए, वो है 2,000। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग कैपिटल है जो कि कम हो रही है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, और कैश जो है वो एसेट है वो भी कम हो रहा है तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ड्रॉइंग को हमने डेबिट किया, कैश को हमने क्रेडिट किया, ड्रॉइंग का अमाउंट हमने उसमें डाल दिया डेबिट अमाउंट में, कैश का अमाउंट हमने क्रेडिट अमाउंट में डाल दिया, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसकी नरेशन डाल दी कि बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हमने ये जो ट्रांजेक्शन है इसको जर्नल के अंदर इस तरह से हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसी तरह हम देखते हैं ही इंट्रोड्यूस फर्नीचर इन द बिजनेस ₹5,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के अंदर कैश की फॉर्म में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई काइंड की फॉर्म में भी लेके आ सकता है। तो यहाँ पे उसने फर्नीचर बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो दो चीजें उभर के आती है, एक तो फर्नीचर वो लेके आता है, फर्नीचर एसेट है, सेकेंड चीज जो है कैपिटल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्नीचर भी इंक्रीज है, कैपिटल भी इंक्रीज है, फर्नीचर एसेट है, कैपिटल कैपिटल है। फर्नीचर को हम डेबिट में 5,000 डालेंगे और कैपिटल का हम 5,000 क्रेडिट में डालेंगे। उसी तरह इनकम टैक्स पेड है, तो इनकम टैक्स पेड जो है वो बिजनेसमैन का है जो कि 2,000 की टून में पे किया गया है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अगर पे किया जाता है तो वो बिजनेसमैन का एक्सपेंस है, ऑनर का एक्सपेंस है, राम का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ड्रॉइंग एंड कैश। ड्रॉइंग जो है कैपिटल है क्योंकि कम हो रही है तो इसलिए हमने 2,000 डेबिट में डाल दिया, और कैश एसेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमने क्रेडिट में डाल दिया 2,000। इस तरह से हमने इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है। ड्रॉइंग
राम, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे दो एंट्रीज की हैं, एक फर्नीचर और कैपिटल की, दूसरी ड्राइंग एंड कैश की। तो सबसे पहले हम फर्नीचर को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे राम इंट्रोड्यूस फर्नीचर ₹5,000। तो इसको जनरल के अंदर हमने पर्टिकुलर के अंदर फर्नीचर अकाउंट उसके सामने डेबिट लिखा टू कैपिटल। जो चीज क्रेडिट होती है उसके आगे हमने टू लगाना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और यहाँ पे फर्नीचर जो है ये एसेट है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट कॉलम में हमने 5,000 डाल देना है। कैपिटल लाइबिलिटी, बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है तो कैपिटल का हमने 5,000 क्रेडिट में डाल देना है। बीइंग फर्नीचर इंट्रोड्यूस बाय दी राम, ये हमने नरेशन लिख देनी है। और उसी तरह सेकेंड जो ट्रांजेक्शन थी इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे जो है वो बिजनेसमैन का होता है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है। तो ये ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश है, ड्रॉइंग के आगे डेबिट कॉलम के अंदर हमने 2,000 डाल देना है और कैश कॉलम के अंदर हमने 2,000 डाल देना है। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस पेड, तो लाइफ इंश्योरेंस पेड जो है वो भी बिजनेसमैन की होती है, बिजनेस की नहीं होती। तो इसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक ड्रॉइंग है एक कैश है। तो ड्राइंग जो है कैपिटल है और कैश जो है एसेट है। ड्राइंग हमारी डिक्रीज हो रही है तो इस वजह से हमने इसको डेबिट अमाउंट के अंदर 1,000 डाल दिया, और कैश भी डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमने क्रेडिट कॉलम के अंदर हमने 1,000 के हिसाब से डाल दिया, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो एंट्री हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, डेट हमें दी नहीं हुई, लाइफ इंश्योरेंस पेड ₹1,000, तो ड्रॉइंग टू कैश है, तो ड्रॉइंग के सामने डेबिट है टू कैश, ड्रॉइंग के आगे हमने 1,000 डेबिट कॉलम में डाल दिया और कैश को हमने, कैश का जो अमाउंट है उसको क्रेडिट कॉलम में डाल दिया। और नरेशन के अंदर हमने लिख दिया कि बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि कैपिटल एंड ड्रॉइंग की हम एंट्री किस तरह से करते हैं। अब हमें जो ट्रांजेक्शन दी हुई है उसके अंदर से हम किस तरह से पता लगाते हैं कि भाई ये कैश की ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। कैश की ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जहां पे हमने कोई चीज खरीदी है या बेची है, कैश पे खरीदी है या उधार पे खरीदी या बेची है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे देखो, अगर परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, अगर यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो अज्यूम करेंगे कि ये कैश की ट्रांजेक्शन है। उसी तरह यहाँ पे दूसरी के अंदर परचेज गुड्स फॉर 5,000 ऑन कैश बेसिस, तो यहाँ पे तो स्पेसिफिकली मेंशन ही है कि कैश बेसिस पे लिया हुआ है। तीसरी के अंदर क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन कैश बेसिस, तो देखो अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है बट कैश बेसिस साथ में लिखा हुआ है तो पार्टी को हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने चीजें जो खरीदी हैं वो कैश के बेसिस पे परचेज की हैं। उसी तरह परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹5,000, तो यहाँ पे पार्टी का नाम है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ कैश पे है तो ये उधारी की है। हाँ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिट पे खरीदी है तो ये उधार की ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस, तो यहाँ पे पार्टी का नाम भी है और स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है, तो यहाँ पे गुड्स जो है हमारी उधार की है। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश की ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। अब हमने जो कैश की ट्रांजेक्शन है उसको हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है, जैसे परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 ऑन कैश बेसिस, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन कैश बेसिस। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन जो है बेसिकली एक ही चीज है, इसके अंदर बताई गई कि परचेजेस हमने की है कैश बेसिस पे की है। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर दो चीजें उभर के सामने आती हैं, एक तो परचेज है और दूसरा कैश है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हमने डेबिट कर देना है, तो ये डेबिट कॉलम के अंदर हमने 5,000 डाल दिया। कैश हमारा एसेट है जो कि कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हमने क्रेडिट कॉलम के अंदर डाल दिया 5,000। तो इस तरह से आपने कैश की जो ट्रांजेक्शन है उसको जर्नल के अंदर आपने इस तरह से रिकॉर्ड कर लेना है। परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो उसके सामने डेबिट कॉलम के अंदर हमने 5,000 डाल देना है। टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट कॉलम के अंदर हमने कैश के आगे 5,000 लिख देना है, और उसी के साथ ही हमने नरेशन लिखनी है बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो अब हम देखते हैं कि जो उधारी की ट्रांजेक्शन है उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर 5,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000, परचेज गुड्स ऑन मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस। तो यहाँ पे जैसे सेकेंड जो है, अगर यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं मेंशन किया हुआ तो हमने परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट करना होता है, अगर पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ।
तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं कि हमने चीजें खरीदी हैं, परचेज एंड मोहन। परचेज हमारा एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कर दो। मोहन से उधारी पे खरीदी है, तो मोहन हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको हमने क्रेडिट कॉलम के अंदर डाल देना है। और उसी तरह जब हमने जर्नल के अंदर उसकी ट्रांजेक्शन को डालना है, तो वहां पे परचेज अकाउंट डेबिटी टू मोहन, इस तरह से आपने इसको राइट डाउन करना है। और डेबिट कॉलम के अंदर परचेज के सामने 5,000 डाल देना है और क्रेडिट कॉलम के अंदर मोहन के सामने डाल देना है। और यहाँ पे लिख देना है बिंग गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट ऑन फ्रॉम दी मोहन, या सिंपली लिख सकते हो कि बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। और इसी तरह अगर सेल होती है तो किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश की ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। जैसे यहाँ पे हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000। अगर यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, पार्टी का नाम नहीं मेंशन किया हुआ, तो अज्यूम करेंगे कि ये कैश बेसिस पे है। उसी तरह सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 ऑन कैश बेसिस स्पेसिफिकली लिखा हुआ तो ये कैश की है। बट सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन कैश बेसिस, तो यहाँ पे भी पार्टी को हमने कुछ नहीं करना। तो ये तीनों केस के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी कैश की है। और यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹5,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000, सोल्ड गुड्स ऑन मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस ₹5,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये उधारी की है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है बट कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर पार्टी का नाम है, कैश नहीं लिखा हुआ, तो वो उधारी की ट्रांजेक्शन है, वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। अब हम देखते हैं कि जब कैश सेल होती है तो उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये कैश की ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे जैसे सोल्ड फॉर ₹5,000, सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 ऑन कैश बेसिस, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन कैश बेसिस ₹5,000। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कैश है, एक सेल है। सेल हमारा रेवेन्यू है, उसको हमने क्रेडिट करना है। कैश, क्योंकि जब हम चीजें बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, कैश हमारा एसेट है जो इंक्रीज हो गया, तो उसको डेबिट कॉलम के अंदर हमने डाल देना है। इसी तरह जब हमने इसकी एंट्री करनी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश के सामने डेबिट कॉलम के अंदर 5,000 डाल देना है और सेल के सामने क्रेडिट कॉलम के अंदर 5,000 डाल देना है। और वहां पे नरेशन में हमने लिख देना है बींग गुड सोल्ड फॉर कैश। उसी तरह जब हमने उधारी की ट्रांजेक्शन है तो सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस। जहां पे पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ तो वहां पे हम पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं। तो जब हमारी उधार के अंदर सेल होती है तो वहां पे हम पार्टी को डेबिट करते हैं और जो सेल होती है उसको क्रेडिट करते हैं। पार्टी को जैसे मोहन है यहाँ पे, तो मोहन हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया तो उसको डेबिट करना है। सेल हमारा रेवेन्यू है जो कि इंक्रीज हो गया, जब चीजें बेचते हैं तो हमारी सेल हुई है तो रेवेन्यू है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। हमें पता है कि रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और उसी तरह उसकी जो ट्रांजेक्शन है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे मोहन के आगे 5,000 और सेल्स के आगे 5,000, और यहाँ पे हमने लिख देना है नरेशन के अंदर के बींग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस।